Hello everyone, welcome to Mahindra Group. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर क्लास में. आज है 29 जनवरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है उनका डिस्कशन करेंगे, बट इससे पहले एग्जैक्टली सेशन कैसे रहेगा, क्या फॉर्मेट रहेगा, उसका मैं आपको पहले बता देता हूँ. सभी को भैया गुड मॉर्निंग, बट उससे पहले एग्जैक्टली सेशन का डिजाइनिंग कैसे है वो हम समझ लेते हैं. स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लास्ट सेशन के बेसिस पर रहेंगे, देन फिर हम चलेंगे आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ. तो फर्स्ट फेज में हम डिस्कस करेंगे लास्ट सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं जो न्यूज रही थी उन पर बेस्ड एमसीक्यूज, देन फिर आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, फिर थर्ड जो फेज आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक स्टेट जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट रिलेवेंट रहेगा, देन फिर हम बढ़ेंगे फोर्थ फेज की तरफ जिसमें कि एमसीक्यू पार्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए दो पार्ट में जो कि हमेशा डिस्कस किया जाता है. एक रहेगा स्टैटिक और उसके अलावा देन हम बढ़ेंगे करंट अफेयर बेस्ड अपने एमसीक्यू. तो इस तरीके से सेशन रहेगा, डिटेल में सेशन का एनालिसिस की जाएगी, बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा. बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली कल के सेशन पर बेस्ड जो सवाल है वो क्या है. तो टेक्निकल टीम से मेरी गुजारिश, स्क्रीन को जूम किया जाए, नाओमी ओसामाका की बात करते हैं. टेक्निकल टीम जरा सुनिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं, उसका जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो जीता है नाओमी ओसाका ने. इन्होंने हराया है सेज रिपब्लिक की पेत्रा क्विटोवा को. अब मैंने यहां पर आपसे सवाल पूछा है कि ये जो नाओमी ओसाका है ये किस कंट्री से है. अपना आंसर बनता है ये जापान से है. बात को याद रखिएगा, नाओमी ओसाका ने चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का महिला एकल का खिताब जीता है. गाइस इसी के बाद 8 बजे सेशन है जिसमें कि एडिटोरियल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अपने इंग्लिश गुरु रहेंगे, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यहां पर. और एक तरीके से कह सकते हैं 7 बजे तो सेशन आप देख रहे हैं, 8 बजे का सेशन में भी आपको हमारे साथ जुड़ना है. ठीक है, आई होप सो गाइस सभी लोग यहां जितने स्टूडेंट देख रहे हैं वो सभी के सभी उस सेशन में भी जुड़ेंगे. अगला सवाल सुनिएगा, एमिनेंट हिंदी ऑथर की बात करें और एसिस्ट की बात करते हैं कृष्णा सोबती जी की. प्रख्यात हिंदी लेखक और निबंधकार कृष्णा सोबती का हाल ही में निधन हो गया. किस वर्ष में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. अब मैंने ज्ञानपीठ इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि इसका डिस्कशन भी अभी मैंने कुछ समय पहले ही किया था. आंसर यहां पर बनता है 2017. कृष्णा सोबती जी को जिनको कह सकते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह वर्ष था 2017. ये एक ऑथर है और एक निबंधकार है. अगला सवाल सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन ने 2018-19 के लिए इंडिया की ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है, बताइए कितने प्रतिशत है. देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूं सीएसओ ने 2018-19 के लिए जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है वो की है 7.2%. एंड आरबीआई की बात करते हैं, आरबीआई का कहना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7.4% इन अ फाइनेंशियल ईयर 2018-19. वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी, इन सभी का कहना है इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7.3%. एंड इंडिया रेटिंग की बात करें, क्रिसिल की बात करते हैं और अपने सीएसओ की बात करें यहां पर, तो सभी का यहां पर कहना है कि इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 7.2%. अब जो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, ये आरबीआई के साथ गया है, इसने कहा कि 7.4% रह सकती है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट. तो हमें याद रखना है फाइनेंशियल 2018-19 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रहेगी, 7.4%. नेक्स्ट यहां पर बोला गया है कि अब देखिए यहां पर मैंने पूछा 2018-19 के लिए, यहां पर मैंने पूछा 2019-20 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितने प्रतिशत रह सकती है. अपना आंसर बनता है 7.6%. आई होप सो गाइस क्लियर होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दलीप सिंह पंदी की बात करते हैं, इनका भी हाल ही में देहांत हो गया. यह क्या थे, अकाली दल के लीडर थे, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम और इनका प्रोफेशन या किस क्षेत्र से थे, तो याद रखिएगा यह एक राजनेता थे, यह एक पॉलिटिशियन थे. अगला सवाल सुनिएगा, किसने तमिलनाडु के मदुरई में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी. अपना आंसर बनता है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे, इन्होंने तमिलनाडु के मदुरई में एम्स की आधारशिला रखी है. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क रहेगा, तमिलनाडु के मदुरई में किन्होंने एम्स की आधारशिला रखी. अपना आंसर बनता है नरेंद्र मोदी जी. अगला सवाल सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर की अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात करेंगे, उसको बनाया फिर दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट किया है. देखिए 10 जनवरी को ये बेंच बनाई गई थी, 10 जनवरी को केस आए, इन्होंने कह दिया कि भाई अब केस को हम लड़ेंगे 29 जनवरी को. अब ऐसे जो बोबड़े साहब की बात करते हैं प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से इसको अनंत काल के लिए बोल दिया गया है कि जो ये लैंड डिस्प्यूट केस है इसे अभी अनंत काल के लिए रखा, इसके लिए कोई डेट फाइनल नहीं करी कि कब इसकी सुनवाई की जाएगी. बट मैंने यहां पर पूछा है कि जो 5 मेंबर की जो बेंच है इसमें कौन सा मेंबर नहीं है, इनमें से 5 में कौन सा ऑड वन है. देखिए
पांच की बात करते हैं तो रंजन गोगोई साहब की बात करें वो तो हेड कर रहे हैं, अब चार यहां पर मेंशन है और एक ऑड वन है, अगर आप बता पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आंसर आ भी चुका है। एनवी रमन की बात करें स्टूडेंट, एनवी रमन पहले मेंबर थे, अब वो इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के मेंबर नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। अशोक भूषण इसके मेंबर है, अब्दुल नाजीर इसके मेंबर है, एस ए बोबड़े साहब इसके मेंबर है, डीवाई चंद्रचूड़ इसके मेंबर है और रंजन गोगोई जो कि इसको हेड कर रहे हैं। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना पूर्ण राज्य दिवस मनाया, एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टेट हुड डे मनाया है, एक तरीके से स्थापना दिवस मनाया है। सवाल यहां पर यह है, ये दिवस जो मनाया गया ये किस नंबर का है, ये किस नंबर का है, 48, 50, 49, 47 या 51st? तो अपना आंसर बनता है ये 49th कह सकते हैं, स्थापना दिवस मनाया है हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को। अगला सवाल सुनिएगा, अभी आईआईटी मद्रास में 3 स्पेशलाइज्ड सेंटर को इनॉग्रेट किया गया, सवाल यहां पर यह है ये किन्होंने किया, तो अपना आंसर बनता है साइंस मिनिस्टर की बात करेंगे, मिनिस्टर ऑफ साइंस की बात करें डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा आईआईटी मद्रास में 3 विशेषज्ञ केंद्रों का उद्घाटन किया। कल ऑलरेडी हम डिटेल में इसे देख चुके हैं, इसलिए यहां पर एज अ प्रैक्टिस कह सकते हैं और बिल्कुल हम यहां पर इसका डिस्कशन कर रहे हैं। अगला सवाल सुनिएगा, ऑस्कर विजेता संगीतकार मिशेल लैंग्रेंड की बात करें, इनका हाल ही में निधन हो गया, सवाल यहां पर यह है कि ये किस देश से थी, अपना आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 2, ये फ्रांस से थे। सिंपल शब्दों में ऑस्कर विनिंग कंपोजर माइकल लैग्रेंड हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री, अपना आंसर बनेगा ही वाज फ्रॉम दी ब्रांच, ये फ्रांस से थे। ठीक है, अब सुनिएगा अगला सवाल, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, क्वेश्चन नंबर 11 को, नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है, सवाल यहां पर यह है कि यह किस कंट्री से है। नोवाक जोकोविक ने स्पेन के राफेल नडाल को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह किस कंट्री से है, अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1, यह सर्बिया से है। सिंपल शब्दों में किस कंट्री से है, ये सर्बिया से है। अगला सवाल, भारत के कार्तिक शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स पुरुषों की एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और ये किस राज्य से है। एक सवाल ये भी आ सकता है कार्तिक शर्मा किस खेल से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है गोल्फ से है, इन्होंने न्यू साउथ वेल्स मेंस एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है और मैंने पूछा है यहां पर कि ये किस स्टेट से, तो अपना आंसर यहां पर बनता है ये हरियाणा से है, ये हरियाणा के गुड़गांव से है, गुरुग्राम से है। अगला सवाल, एर्थ एनुअल पुलिकेट डे की बात करते हैं, ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाएगा, 8वां वार्षिक पुलिकेट दिवस की बात करें ये किस दिन को मनाया जाएगा, जिस दिन को मनाएंगे उस दिन को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी हम जानते हैं, तो यहां पर बात हो रही 2 फरवरी की, 2 फरवरी को हम 8वां वार्षिक पुलिकेट दिवस के रूप में मनाएंगे। इसका यहां पर यह होता है कि जितने भी लगून है उनके कंजर्वेशन के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। और लगून की बात करें तो ये सी का एक पार्ट होता है जो कि एक तरीके से अलग हो जाता है, जो कि एक तरीके काइंड ऑफ लेक में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लगून के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, Which train has been named by Indian Railway as a Vande Bharat Express? किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया है? तो सभी के क्लियर है ट्रेन 18 की बात करें, कल डिटेल में हमने देखा था इसको, ट्रेन 18 has been named as the वंदे भारत एक्सप्रेस। किस ट्रेन को भारतीय रेलवे ने वंदे भारत एक्सप्रेस नाम दिया, तो आपको याद रखना है ट्रेन 18 को यह नाम दिया गया। नेक्स्ट, जयपुर साहित्य उत्सव की बात करें, जिसे साहित्य का कुंभ माना जाता है, वो शुरू हुआ है, मैंने यहां पर पूछा है सवाल कि उसका कौन सा एडिशन ये शुरू हुआ है, तो अपना आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 2, 12th जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड। अपार्ट फ्रॉम, यहां पर एक वर्ड था नारी शक्ति, नारी शक्ति को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं, उसके द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2018 के रूप में भी नामित किया गया। इस वर्ड को याद रखें, नारी शक्ति, एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनेगा। नेक्स्ट, Who has won the women's singles title of Indonesia Masters at Jakarta? किसने जकार्ता में इंडोनेशिया मास्टर्स का महिला एकल का खिताब जीता है? तो आंसर बनता है साइना नेहवाल, इनके अगेंस्ट में कैरोलिना मारिन थी, बट कैरोलिना मारिन को एक नी इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्हें रिटायर्ड होना पड़ा, उसके कारण साइना नेहवाल को विजेता घोषित किया गया, विनर डिक्लेयर किया गया, तो आंसर यहां पर बनता है साइना नेहवाल, इन्होंने इंडोनेशिया मास्टर्स का महिला एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूनम खेत्रपाल सिंह को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर। बड़े ध्यान से सुनिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल डायरेक्टर के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? तो आंसर बनता है पूनम खेत्रपाल सिंह, मैंने यहां पर पूछा है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अपना आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, जिनेवा स्विट्जरलैंड इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। आई होप सो गाइस ये सारे पॉइंट आपके क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ।
फर्स्ट प्ले फेज क्लियर हो चुका है, जिसमें हम डिस्कस किए हैं लास्ट सेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब बढ़ते हैं आज के सेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के बेसिस पे कहा है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन India has replaced Japan as the world's second largest steel producing country. World Steel Association, जिसे हम World Steel के नाम से भी जानते हैं, उसके अनुसार भारत ने जापान को विश्व के दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक देश के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया है या पीछे छोड़ दिया है। एग्जाम के लिए रिलेवेंट है लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है एंड थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, ये एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट बनता। आते हैं कि करके सारा डेटा हम डिटेल में यहां पर देख लेते हैं। इस न्यूज को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है इंडिया हैज रिप्लेस जापान एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये तो क्लियर है कि जापान को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री अपना भारत बन गया है। चाइना की बात करते हैं, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड स्टील का, याद रखिएगा एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर एग्जाम में पूछा गया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील का नाम बताइए तो हमारा आंसर बनता है चाइना। यहां पर चाइना के लिए बोला गया अकाउंटिंग फॉर मोर देन 51% ऑफ प्रोडक्शन। टोटल अगर विश्व का 100% प्रोडक्शन है तो उसमें 51% प्रोडक्शन किसका है, चाइना का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहा है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जिसे हम वर्ल्ड स्टील के नाम से भी यहां पर जानते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर बात करता है कि कितना एग्जैक्टली चाइना का लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार परसेंटेज में इंक्रीमेंट देखने को मिला या उसका जो आउटपुट है वो अब इस टाइम कितना हो गया है। तो ग्लोबल स्टील बॉडी की बात करते हैं, उसने कहा है इन इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट चाइनाज क्रूड स्टील आउटपुट जंप 6.6% टू 928.3 मिलियन टन इन 2018 फ्रॉम 870 MT इन 2017। अगर बात करते हैं कि 2017 में 870 मिलियन टन था और यही बढ़कर 2018 में 928 मिलियन टन हो गया है। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो जो चाइना का शेयर है वो 50.3% से इंक्रीज होकर 51.3% हो गया है। एग्जाम के लिए मोस्ट रिलेवेंट मार्क करेगा, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते तो यहां से पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इंडिया के क्रूड स्टील प्रोडक्शन की बात करें 2018 में था 106.5 मिलियन टन, अब इसी में इंक्रीमेंट देखने को मिला है 4.9%, 4.9% वृद्धि हुई है और ये अब कह सकते हैं कि इंक्रीज होकर 2017 में 101.5 मिलियन था, मिलियन एक तरीके से कह सकते टन था, अब 2018 में 106.5 मिलियन टन हो गया। आई नो यार, जब कभी भी डेटा आता थोड़ा कंफ्यूजन होता है, सिंपल शब्दों में इतना याद रखिए 2017 में इंडिया का जो क्रूड स्टील प्रोडक्शन था वो 101.5 मिलियन टन था, अब 4.9% इसमें इंक्रीमेंट हुआ और ये बढ़कर 106.5 मिलियन टन यहां पर हो गया है। इसी के साथ जापान की भी बात की गई है और ग्लोबल भी यहां पर बात की गई है, तो इसे एक बार आप पढ़िएगा। बट इसके अलावा जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के कुछ फैक्ट है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। फॉर्मेशन ईयर है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का 1967। 1967 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रूसेल बेल्जियम है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, गाइस इंपॉर्टेंट बनता है, ब्रूसेल बेल्जियम इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम यहां पर अनाउंस की है, टेक्निकली स्कीम को जूम ही रखिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ युवा स्वाभिमान योजना, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा सबसे पहले इस योजना का नाम। ये युवा स्वाभिमान योजना किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की, तो अपना आंसर बनता है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ युवा स्वाभिमान योजना टू इंश्योर 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवरी ईयर टू यूथ फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन अर्बन एरियाज। मध्य प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अर्बन एरियाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं को प्रत्येक वर्ष 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करने के लिए युवा स्वाभिमान योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब यहां पर मैं बात करूं तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या बनता है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने युवा स्वाभिमान योजना लॉन्च की है। एक बात को हमेशा ध्यान रखिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है तो उसके सारे प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है तो उस स्टेट में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तब तो उसके प्रोविजन इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, SSC की, रेलवे की या किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझना इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक, SSC, रेलवे वगैरह की कर रहे हैं तो आप
एक तरीके से समझ सकते हैं, सिर्फ इतना याद रखना है स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो युवा स्वाभिमान योजना की बात करें उसके अंतर्गत 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, यह सिर्फ नॉलेज पर्पज से याद रखना। और इस तरीके की स्कीम लॉन्च की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर का नाम है कमलनाथ, और इसके अलावा गवर्नर का नाम याद रखिएगा आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, और इनके पास छत्तीसगढ़ का एडिशनल चार्ज भी एज अ गवर्नर। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर की बात करें तो भूपेश बघेल यहाँ के गवर्नर बने हैं, इस बात को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नर तो भाई एक ही है आनंदीबेन पटेल, और इनके पास एक तरीके से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ का एडिशनल चार्ज है। और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की बात करें उनका नाम याद रखना भूपेश बघेल है। आई होप सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आप सभी के क्लियर होगी। नेक्स्ट, आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ दिलीप सदर रंगानी, बड़ा नाम बड़ा अलग ही टाइप का इनका। सदर रंगानी जी की बात करते हैं, इनको अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ दिलीप सदरंगानी एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में दिलीप सदरंगानी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब एग्जाम में ये आ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक। अभी आईबीपीएस क्लर्क में एक बैंक की बात करते हैं, उस बैंक आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, उसी के ही चेयरमैन का नाम पूछा गया था। तो एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर किसी एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनता है बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम और चेयरमैन का नाम। तो यहां पर पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ फेडरल बैंक। तो गाइस आंसर बनेगा दिलीप सदरंगानी। आई होप सो क्लियर होगा। अब फेडरल बैंक की बात करें तो इसका फाउंडेशन ईयर है 23 अप्रैल 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। अलुबा केरला की बात करें, ये इसका मुख्यालय है। एमडी एंड सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। एंड टैगलाइन की बात करते हैं, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर इज अ टैगलाइन ऑफ द फेडरल बैंक। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें जिनका नाम है जनरल विपिन रावत। इन शॉर्ट आर्मी चीफ कौन है, विपिन रावत has been awarded with the Param Vishisht Seva Medal for Distinguished Service on 17th Republic Day. थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत को 70वें गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। अब देखिए बहुत सारे व्यक्तियों को दिया गया, उसमें से एक नाम जो एग्जाम का पार्ट बन सकता है पूछा जा सकता है, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद दी पीबीएसएम, या एक इन शॉर्ट पूछा जाएगा पीबीएसएम, या लिखा आ सकता है परम विशिष्ट सेवा मेडल से किनको सम्मानित किया गया है 70वें गणतंत्र दिवस के दौरान। तो हमें याद रखना है थल सेना अध्यक्ष विपिन रावत जी को इससे सम्मानित किया गया। अब 70वें गणतंत्र दिवस की बात करें तो इस टाइम चीफ गेस्ट कौन थे, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, ओके सर आप ही बता दीजिए, साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, उसके प्रेसिडेंट की बात करें सिरिल रामाफोसा की बात करते हैं, ये चीफ गेस्ट थे अपने 70वें गणतंत्र दिवस पर। उसी दौरान परम विशिष्ट सेवा मेडल से किनको सम्मानित किया गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, आर्मी चीफ की बात करें, जनरल विपिन रावत को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब देखिएगा एक बात समझिएगा, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि जो वुमेन सिंगल का टाइटल है वो साइना नेहवाल ने जीता है। अब यहां पर बात हो रही मेन सिंगल्स का टाइटल किसके द्वारा जीता गया। अब जरा समझना, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ मैन सिंगल याद रखना है, वुमेन सिंगल, मेंस डबल्स या वुमेन्स डबल्स इस पर फोकस मत करिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है, पुरुष एकल और महिला एकल। अब जरा आते हैं इसको जरा डिटेल में यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जैक्टली हमें याद क्या रखना है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब यहां पर पूछा गया है इसका मैन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है, तो अपना आंसर बनता है डेनमार्क के एंड्रेस एंटोनसेन ने। डेनमार्क के एंडर्स एंटोसेन ने जापान के केंटो मोमोटा को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है। सवाल यहां से यह बन सकता है जीता किन्होंने, अपना आंसर बनेगा एंडर्स एंटोनसेन ने। इसके अलावा दूसरा सवाल बन सकता है कि एंडर्स एंटोसेन किस कंट्री से है, तो अपना आंसर बनेगा डेनमार्क। तीसरा सवाल बन सकता है, पूछा जा सकता है किसको हराकर जीता है, तो केंटो मोमोटो हराकर इन्होंने ये मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। एक और सवाल बन सकता है केंटो मोमोटो किस कंट्री से, तो याद रखिएगा ये जापान से है। एक और अलग एडिशनल तौर पर पूछा गया तो पूछ सकते केंटो मोमोटो और ये एंडर्स की बात करते किस खेल से रिलेटेड, तो याद रखना बैडमिंटन से रिलेटेड है। आई होप सो गाइज यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहां तक क्लियर है कमेंट बॉक्स में लिखना, यस सर यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, आदित्य जगताप हैज वॉन हिज थर्ड पीसीए टाइटल इन बुरबॉन ट्रेल चैलेंजर टूर स्क्वैश। आदित्य जगताप ने, थोड़ा नाम टिपिकल है इनका, नाम टिपिकल मतलब थोड़ा अलग टाइप का है, आदित्य जगताप ने बॉर्बन ट्रेल चैलेंजर टूर स्क्वैश में अपना तीसरा पीएसए खिताब जीता है। सर क्या ये एग्जाम के लिए रेलेवेंट, डेफिनेटली दोस्त इंपॉर्टेंट है। अब यहां से देखिए सवाल क्या बन सकता है, आदित्य जगताप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट,
ये आपसे नहीं पूछ रहा कि ये एग्जैक्टली कौन सा इवेंट जीता, उसमें उन्होंने पूछ लिया ये किस खेल से संबंधित, तो याद रखना है ये स्क्वैश से संबंधित है। दूसरा सवाल बन सकता है किस भारतीय ने थर्ड पीसीए टाइटल जीता है इन बुरबॉन ट्रेल चैलेंजर टूर स्क्वैश में, तो अपना आंसर बनेगा आदित्य जगताप ने जीता। इसके अलावा और कोई भी तरीके का सवाल यहां से देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है। विनीता भारद्वाज हैज वॉन दी गोल्ड मेडल इन वुमेन्स एयर राइफल इवेंट इन H&N कप इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप इन म्यूनिख जर्मनी। अब इस न्यूज को मैं ब्रेक करता हूं, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। विनीता भारद्वाज ने जर्मनी के म्यूनिख में H&N कप अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। अब यहां से एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले H&N कप इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें, उसका वेन्यू क्या रहा है, जर्मनी का म्यूनिख रहा, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू की बात करते हैं तो यहां पर किस भारतीय ने वुमेन्स एयर राइफल इवेंट में प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, तो अपना आंसर बनता है विनीता भारद्वाज ने। तीसरा सवाल बन सकता है विनीता भारद्वाज किस खेल से संबंधित है, तो हमें याद रखना है यह शूटिंग से संबंधित है। तो तीन तरीके के सवाल आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अगला सवाल, पीपल कैन वॉच द हाईलाइट ऑफ दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ ऑन RDP इंडिया 2019 एप्लीकेशन दैट इज लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। लोग रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए या लॉन्च किए गए RDP इंडिया 2019 ऐप पर राजपथ पर इस वर्ष की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य आकर्षण देख सकते हैं। सिंपल शब्दों में 17th जो अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन रहा था, उस दौरान राजपथ पर जितने भी सेलिब्रेशन रहे थे उनको देखने के लिए, या उनकी कह सकते हैं कि सारी की सारी स्ट्रीमिंग आपको एक एप्लीकेशन पे मिलेगी, और उस एप्लीकेशन का नाम है RDP इंडिया 2019। हो सकता है एप्लीकेशन का नाम पूछ लिया जाए, वहां पर RDP इंडिया 2019 की जगह आपको लिखा मिले RDP भारत 2019, RDP रिपब्लिक 2019, RDP परेड 2019। तो हर तरीके से याद रखना है एप्लीकेशन का नाम है RDP इंडिया 2019, जिसको डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। डिफेंस मिनिस्टर का नाम है निर्मला सीतारमन, इस बात को याद रखिएगा, और ये राज्यसभा MP है आपके कर्नाटका से। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट, अंबती रायडू की बात करते हैं, इनको ICC ने बॉलिंग के लिए बैन कर दिया है। अब समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अंबती रायडू की बात करते हैं, ये वैसे तो बैट्समैन है, विकेट कीपर कम बैट्समैन है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में वनडे इंटरनेशनल मैचेस के दौरान इनको बॉलिंग कराई गई थी, और इन्होंने जहां तक मुझे याद है 2 ओवर फेंके थे और इन्होंने 13 रन दिए थे। उस दौरान इनके जो बॉलिंग का एक्शन था उसको गलत पाया गया, जिस वजह से इन पर बैन लगाया गया सिर्फ बॉलिंग के लिए। अब ये बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, अब ये बॉलिंग तभी कर सकते हैं जब ये अपना एक्शन चेक कराएंगे और ICC इन्हें क्लीन चिट दे देता है। बट सिंपल शब्दों में याद रखना है किस इंडियन को अभी हाल ही में ICC के द्वारा बैन किया गया, तो याद रखना है भाई उनका नाम अंबती रायडू है। हो सकता है ये सवाल पूछ लिया जाए अंबती रायडू किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से है। अंबती रायडू को ICC ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी से निलंबित कर दिया। हो सकता है डेफिनेटली ना भी पूछा है, इस न्यूज को मैं चिरकुट मार्क करूंगा। चिरकुट मतलब कह सकते हैं कि ऐसी न्यूज जिनकी प्रोबेबिलिटी आने की बहुत कम होती है, बट इनको देखकर ऐसा लगता है अगर आया तो स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं सेशन में इंक्लूड करता हूं। तो याद रखना, हो सकता है ये ना देखने को मिले, बट फिर भी नॉलेज पर्पज से याद रखना, या हो सकता आया कि हम किस खिलाड़ी को सस्पेंड किया बॉलिंग ना करने से ICC के द्वारा, तो किस भारतीय को, तो इंपॉर्टेंट बनता है अंबती रायडू। नेक्स्ट, वेटरन ट्रेबल लीडर एंड फॉर्मर उड़ीसा मिनिस्टर चैतन्य प्रसाद मांझी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज 90। वयोवृद्ध आदिवासी नेता और उड़ीसा के पूर्व मंत्री चैतन्य प्रसाद मांझी का हाल ही में निधन हो गया, वे 90 वर्ष के थे। अब देखिए, कभी भी अगर कोई पॉलिटिकल ऑबिचरी है तो सिंपल सा सवाल यहां पर बनेगा, चैतन्य प्रसाद मांझी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज व्हाट, तो ही वाज द पॉलिटिशियन। दूसरा सवाल बनेगा किस स्टेट से थे, तो वो उड़ीसा से थे। ये 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा, मैं आपको होमवर्क देकर जा रहा हूं, अगर ये पॉलिटिकल पर्सन थे, मिनिस्टर थे, तो ये किसी ना किसी पार्टी से तो रहे होंगे। अब आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट बनती है पार्टी भी, तो आपको ये बताना है कि ये किस, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक दल से, किस पॉलिटिकल ये पार्टी से थे, ये होमवर्क रहेगा, वीडियो कंप्लीट होने के बाद इसका आंसर करेगा। अभी याद रखना है चैतन्य प्रसाद मांझी जो पॉलिटिक्स से संबंधित थे, और उसके अलावा वह किस राज्य से थे, वह उड़ीसा राज्य से थे। अगला न्यूज, म्यूजिक फेस्टिवल की बात करें जिसका नाम है सुरजहान, जिसे हम पहले सूफी सूत्र के नाम से जानते थे, वो गोवा में 6 से 8 फरवरी को रहेगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है वो समझते हैं, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। संगीत समारोह सुरजहान, जिसे हम पहले सूफी सूत्र के रूप में जानते थे, वह 6 से 8 फरवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, इस इवेंट की बात करें तो यहां से एग्जामिनेशन में वेन्यू के पूछने जाने के चांसेस थोड़े कम है, थीम पूछा जा सकता है। क्यों?
क्योंकि फेस्टिवल की बात करते हैं, ये फेस्टिवल पहले तो कोलकाता में होगा 1 से लेकर 3 फरवरी, उसके बाद 6 से लेकर 8 फरवरी तक ये गोवा में होगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं जो मैंने फ्रेम किया है, बट इसके अलावा वन लाइनर वेन्यू पूछे जाने के चांसेस कम है, हो सकता है पूछ लिया जाए। इसकी थीम क्या है तो वो याद रखना, म्यूजिक फॉर ऑल एंड म्यूजिक फॉर पीस। म्यूजिक फॉर ऑल एंड म्यूजिक फॉर पीस इज अ थीम ऑफ सुरजहान, जो कि एक म्यूजिक फेस्टिवल है। स्टार्टिंग में ये आपका वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में रहेगा, देन फिर ये कहां पर होगा, देन फिर ये गोवा में होगा। आई होप सो यहां तक सारे पॉइंट क्लियर होंगे। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब यहां पर देखते हैं हम आज का स्टेट कौन सा है। तो गाइज यहां पर अपना स्टेट है गुजरात, गुजरात रिलेटेड सारे फैक्ट को हम डिस्कस यहां पर करेंगे। एक मिनट का टाइम दीजिएगा जरा, मैं एक सेकंड गाइज जरा एक मिनट का हॉल्ट लूंगा। जब तक आप जितने गुजरात रिलेटेड फैक्ट हैं अगर आप वो बता पाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। गुजरात रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट, आपको सारे फैक्ट पता है क्योंकि अराउंड यहां पर हमने सारे के सारे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते चलिए देखते सारे गुजरात रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं क्या एग्जैक्टली। फॉर्मेशन हुआ था 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी और कैपिटल है इसकी गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर की बात करते विजय रूपानी है और गवर्नर की बात करें ओम प्रकाश कोहली है। एग्जाम के लिए रिलेवेंट क्या है, एक एक करके सारी बातें देखते हैं। फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 मई 1960 को, एंड कैपिटल क्या है, गांधीनगर इसकी कैपिटल रही। विजय रूपानी जी की बात करते हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं, एंड ओम प्रकाश कोहली की बात करें गवर्नर हैं। अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसका डीएलआर नंबर क्या है, डीएलआर नंबर है 332611। क्या मतलब हुआ, यहां पर डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, एल फॉर लोकसभा एंड आर फॉर राज्यसभा। डिस्ट्रिक्ट कितने रहे 33, लोकसभा सीट रही 26 और राज्यसभा सीटों की बात करते हैं टोटल 11 है। लार्जेस्ट सिटी की बात करें अहमदाबाद है, एंड यहां पर जो विधानसभा की सीट है, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट है वो आपकी 182 है, इस बात को याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती है, इन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अभी मैप से देख लेते हैं और बेहतर तरीके से वहां से क्लियर हो जाएगा सारी बातें। इसके अलावा बात करें सोमनाथ टेम्पल आपका गुजरात में है, काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन की बात करें ये भी आपका गुजरात में है, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करिए, एग्जाम का पार्ट रहा इसे याद रखेगा, ये भी आपको गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात की बात करें मैप से देखिए तो देखिए ये वाला पार्ट पाकिस्तान के साथ ये शेयर करता है, एंड स्टेट में बात करते राजस्थान है, देन फिर मध्य प्रदेश है, देन फिर महाराष्ट्र है, एंड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। नेशनल पार्क में बात करें गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन एंड वंसदा ये नेशनल पार्क रहे। एक लाइन में याद रखने, गिर फॉरेस्ट, ब्लैक बक, मरीन एंड वंसदा एंड वर्दा, पूर्णा, जम्बू घोड़ा, गिरनार की बात करें, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी आपकी गुजरात राज्य में स्थित हैं। आई होप सो गाइस सभी के बेहतर तरीके से क्लियर होगा। रिवीजन के तौर पर डिस्कस कर रहे हैं, अपना एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है, गुजरात डिस्कस कर लिया, गोवा डिस्कस करेंगे, यूनियन टेरिटरीज है दमन एंड दीव एंड दादर नगर हवेली, उनको भी बीच में ले लेंगे, उनको भी डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं आज के स्टैटिक क्वेश्चन, टेक्नोडीम स्क्रीन में जूम ही रखिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी क्या है, क्योंकि ये चेंज हुई है इसलिए यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बुरुंडी की कैपिटल अब बुजुम्बुरा नहीं है, वो गितेगा है। बुरुंडी की कैपिटल आपकी गितेगा है, इस बात को याद रखना। बाकी किन देशों की हैं वो एक बार जरा बॉक्स मेथड से देखेंगे। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, करेंसी रियल। बुरुंडी की कैपिटल गितेगा, करेंसी इज फ्रैंक। एंड कंबोडिया की कैपिटल नॉमफेन, करेंसी रियल। कैमरून कैपिटल याउंडे, करेंसी फ्रैंक। एंड कनाडा की कैपिटल ओटवा है और करेंसी यहां पर डॉलर चलती है। गाइस 8 बजे का सेशन है, उसको देखना ना भूले, वहां पर आपका एडिटोरियल है जिसमें कि मैं और आपके इंग्लिश गुरु जुड़ेंगे, तो प्लीज 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 उस सेशन में भी हमारे साथ जुड़ेगा। जितने स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं मैं चाहूंगा कम से कम उतने स्टूडेंट तो उस सेशन को जरूर देखें। नेक्स्ट, कितने देश गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, कितने देश खाड़ी सहयोग परिषद के मेंबर हैं, अपने आंसर बनता है टोटल 6। 6 देश खाड़ी सहयोग परिषद या जिसे हम गल्फ कॉपरेशन काउंसिल बोलते हैं उसके सदस्य हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड चंद बातें उनको देख लेते हैं। गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 मई 1981, 25 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। रियाद सऊदी अरब इसका हेडक्वार्टर है, सेक्रेटरी जनरल है
अब्दुल बिन राशिद अल जयानी जो किस देश से हैं, इस देश को इसको याद रखना, बहरीन। अगर आपको याद हो तो कोफी अन्नान जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे कहाँ के, आपको याद रखना चाहिए, वो यूनाइटेड नेशन के, सवाल पूछा गया था एग्जाम में ये किस कंट्री से थे, तो याद रखना आपको ये घाना से थे। उस तरीके से हर किसी व्यक्ति जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो किस कंट्री से, इस बात को भी आपको याद रखना है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है, 6 है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है और अपना यूएई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में, अपना आंसर बनता है कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैं यहां पर सिर्फ वन लाइनर डिस्कस करूंगा, डिटेलिंग पार्ट आज आपको पढ़ना है, आपका होमवर्क रहेगा कौन सा नेशनल पार्क कहां पर है। नेक्स्ट, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी गोवा राज्य में स्थित है, तो अपना आंसर बनता है यहां पर ऑप्शन नंबर 1, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन गोवा। बाकी कहां पर है ये आपको एक टेबल प्रोवाइड कर दी है, इससे आप देख सकते हैं। आपको कल गाइज एक टेबल प्रोवाइड की जाएगी, एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें कि स्टेट के जितने भी नए चेंज हुए हैं उसके साथ बिल्कुल जो गवर्नर हैं जिनके पास चार्ज है वो पीडीएफ मिल जाएगा कल वाली करंट अफेयर्स लाइव की जो कह सकते हैं वीडियो उसके नीचे। तो आज तक का वक्त दीजिए, कल आपको एक नई पीडीएफ मिलेगी जिसमें कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर और उनकी गवर्नर और वहां स्टेट की कैपिटल क्या, यूनियन टेरिटरीज की कैपिटल क्या, वो सारी उसमें बिल्कुल लिखी हुई मिलेंगी। नेक्स्ट, किस दिन को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाते हैं, तो 15 मार्च आपको याद रखना है, 15 मार्च को हम कह सकते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाते हैं। किन डेट को क्या डे है वो एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, वर्ल्ड वेटलैंड डे की बात करें 2 फरवरी, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च एंड वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें ये 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप सो गाइज सारी चीजें आपके यहां तक क्लियर होंगी, सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। इसके अलावा आज के सेशन रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑलरेडी फ्रेम्ड है, मैं अभी आपको चाहूं तो दिखा भी सकता हूं, सारे एमसीक्यूज फ्रेम्ड है बट वो सारे आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाएंगे, उनका डिस्कशन हम कल के सेशन में स्टार्टिंग में करेंगे और बेहतर तरीके से। सेशन पसंद है प्लीज लाइक करिएगा और एडिटोरियल में 8 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।